हेलो एवरीवन, जानकारी मित्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम हाजिर हो चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो जियो में वैकेंसीज निकली हुई हैं, लगभग 25,000 वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो सब चीज़ें उनका भी वो फायदा उठा सके। बात करते हैं इस वेबसाइट की लिंक की, तो इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और साथ ही साथ में जो कमेंट बॉक्स है वहां पर भी हम इस लिंक को पिन कर देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। सबसे पहले आप जियो की जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा। अब इस इंटरफेस की बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पर वैकेंसीज की लिस्ट निकाली हुई है जियो ने। सबसे पहले बात करें फ्रीलांसर की, इसकी वैकेंसी देखो 7684 हैं। फ्रीलांसर यानी सेल्स एसोसिएट, यानी जो रास्ते पर जो सिम बेचते हैं ना, आपने लोगों ने देखा होगा बाइक पर या कहीं अपने स्टॉल लगाकर अपनी दुकान लगाकर, उसकी वैकेंसीज निकली हुई है 7600। बिजनेस ऑपरेशन 1527, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1137, कस्टमर सर्विस की है 796, आईटी और सिस्टम की है 495, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की है 442, ह्यूमन रिसोर्स एंड ट्रेनिंग की है 79, प्रोडक्ट मैनेजमेंट 63, सप्लाई चेन 41, फाइनेंस कंप्लेंस अकाउंटिंग 37, अदर्स 35 है, रेगुलेटरी 26, ऑपरेशन 31 और प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट 35 है। उसके बाद मार्केटिंग की भी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है, कॉरपोरेट अफेयर की भी है, सॉरी इनकी नहीं है, और लीगल जो भी जो वकील होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज निकली हुई है। यानी कुल मिला के अपन बात करें तो सब चीज के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कैसे करना है, किस प्रकार से हमें सारी चीजें करनी है। तो सबसे मान लेते हैं कि अपने को इसके लिए सेल्स एसोसिएट के लिए ही अप्लाई करना है, तो हम इस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक और विंडो खुलकर आएगी। अब इस विंडो में खुलकर आएगी उसमें क्या होगा कि आपको अलग अलग जो अपने पूरा इंडिया में है, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी निकली हुई है ये, तो अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट निकल कर आ जाएगी। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं या जिस डिस्ट्रिक्ट में आप नौकरी करना चाह रहे हैं उसके बारे में आप यहाँ पर वो चीज़ें फिल कर सकते हैं। ठीक है, साइट थोड़ी सी स्लो है, थोड़ी देर में ये चल जाएगी। अब देखो ये खुल गई है। इसमें बताया गया है कि 10 एंट्रीज हैं यहाँ पर। अब देखो ये भोपाल के लिए है, मध्य प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश, ये अपना मध्य प्रदेश में है, कर्नाटका में है, कर्नाटका में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से आप नेक्स्ट करते जाइए। आप क्या पता आपके स्टेट का भी वहाँ पर नाम हो। ठीक है, अब जैसे ही मान लेते हैं कि अपन भोपाल से हैं तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप राजस्थान से हैं तो आप इस नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप वो वाली वैकेंसीज भी खुल जाएंगी। अगर राजस्थान के लिए होंगी, हरियाणा के लिए होंगी या किसी भी और अन्य स्टेट के लिए होंगी तो वो सारी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अपने को इस पर, आप भोपाल से हैं और आपको फॉर्म भरना है तो इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस खुलकर आएगा। अब इसमें बात की गई है कि कितने तारीख को वैकेंसी पोस्ट की गई थी, तो 31 मार्च 2022 को। काम क्या करना है कि फ्रीलांसर का काम है, सेल्स एसोसिएट का काम है, लोकेशन क्या है, मध्य प्रदेश भोपाल, होशंगाबाद रोड, मध्य प्रदेश, यानी इस लोकेशन के लिए इन लोगों को एक ये बंदा चाहिए। ठीक है, फिर अब जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि आपकी नौकरी लग जाएगी तो उसको आप में काम क्या करना होगा। काम क्या करना है कि जो फोकस्ड मार्केट है, कि आपको जहां लगता है कि भाई यहाँ पर जियो की सिम की सेल्स हो सकती है तो उस एरिया में आपको जाना है। डायरेक्ट कस्टमर सेल्स थ्रू इवेंट्स, यानी आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं। मान लेते हैं कि कहीं कॉलेज में फेस्ट चल रहा है, फेस्ट का मतलब है कॉलेज में इवेंट्स चलते रहते हैं ना, डांस कॉम्पिटिशन, फलाना कॉम्पिटिशन, तो वहां पर आप कॉलेज से परमिशन लेकर कॉलेज के अंदर इस चीज की स्टॉल लगा सकते हैं अपनी सिम की, तो वहां पर बच्चे खरीदेंगे। कहीं पर मेला लगा हुआ है, मेले में लगा सकते हैं, यानी इस प्रकार जो इवेंट्स होते हैं वहां पर आप अपनी जो शॉप है वहां पर लगा सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि ऑन बोर्डिंग एंड ओपरलाइजेशन ऑफ रिटेल आउटलेट एज जियो एसोसिएट, यानी आपको एक जियो एसोसिएट के रूप में ही आपको वहां पर काम करना है, और होम फुलफिलमेंट ऑफ जियो सिम, यानी जियो सिम की भी आपको होम डिलीवरी करनी होगी। ठीक है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट की बात करिए तो 10वीं या 10+2 है, नॉट मैंडेटरी, यानी अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो और भी अच्छा है, अगर आप पास भी नहीं है, कोई
होते हैं ना भाई, कुछ लोग 8वीं फेल होते हैं, 6ठी फेल होते हैं, तो वो लोग भी इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मांग रहे हैं, एकदम फ्रेशर हैं। आपने अभी तक कहीं भी जॉब नहीं किया है तो भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स की बात करें कि आपके पास क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि लोकल लैंग्वेज, यानी आप जहाँ के हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। ये थोड़ी है कि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप बिहार में जाके जियो के एसोसिएट बन गए कि मेरे को वहाँ पर सिम बेचनी है और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो वो आपके लिए सूटेबल नहीं होगा, ना ही उन लोगों के लिए होगा और ना ही कंपनी के लिए वो चीज़ सूटेबल होगी। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि गुड इंटरपर्सनल और सेल्स स्किल, यानी आपको चीज़ें बेचनी आनी चाहिए। वो बोलते नहीं कि आपको बोतल में उतारना आना चाहिए आदमी को, सीधी सी बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं वो। फिर और ये कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट सर्विस और एड वैल्यू टू द ऑफरिंग, यानी आपको सिम के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और जितने भी ऑफर चल रहे हैं उनके बारे में भी आपको फुल जानकारी होना चाहिए। फिर गोल रिजल्ट ओरिएंटेड, यानी आपको गोल लेके चलना है कि आपको इतनी सिम तो पूरे दिन के अंदर डिलीवर करनी ही है। फिर बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मैप में लोकेशन भी दे दी कि इस लोकेशन के लिए हमको चाहिए। अब क्या करना है कि यहाँ से आपको सीधा अप्लाई नाउ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपको सीधा अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के क्लिक पर बटन करेंगे तो आपको करना है यहाँ पर ईमेल डालना है कि आपकी जो भी ईमेल है वो ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए। न्यू यूजर है तो आप न्यू यूजर पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक और इंटरफेस खुल कर आएगा, यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। पासवर्ड की बात करें तो पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कैसा डालना है कि कम से कम मिनिमम 8 करेक्टर रखिए पासवर्ड के। करेक्टर का मतलब है 8 अक्षर रखिए, और किस प्रकार से रखिए, जैसे हम रखते हैं कैपिटल डी रख दिया, फिर स्मॉल दिनेश @123, यानी आपको इस प्रकार से कोई भी पासवर्ड अपना हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम में आपका कोई भी नाम है वो आप नाम डाल सकते हैं, जैसे अपन ने डाल दिया दिनेश, और यहाँ पे लास्ट नाम डाल दिया दिनेश कुमार। ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये ईयर हो गया, यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंट्री हो गया इंडिया, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालिए, एंटर द कोड इन जो कैप्चा लिखा हुआ यहाँ पर डालिए, और यहाँ से आप कंफर्म करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल कर आ जाएगा प्रोफाइल के बाद, और वहाँ पर आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस जियो की जो वैकेंसीज निकली है, कम से कम 25,000 वैकेंसीज है, इनका फायदा उठा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भला हो सके, क्योंकि आजकल के टाइम में जॉब मिलना एक बहुत ही बड़ी बात है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि 25,000 वैकेंसीज बहुत होती हैं, ताकि बहुत से लोगों को इस चीज का फायदा मिल सके। जो लिंक है इसका, वैकेंसी का, वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और साथ ही साथ में कमेंट के अंदर पिन भी कर देंगे। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।